हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज आउट ऑफ ब्लॉग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल नरूज आउट ऑफ ब्लॉग को, साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, क्या आप मारुति सुजुकी की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी 2022 विटारा ब्रेजा का फेसलिफ्ट अवतार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ी गुड न्यूज है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। मारुति विटारा ब्रेजा 2022 फेसलिफ्ट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, इस महीने के अंत और अगले महीने जून 2022 में। और इसके काफ़ी सारे तस्वीरें लीक हो चुकी है दोस्तों टीबीसी शूट के दौरान। ये जो तस्वीरें हैं ये हम लोगों से शेयर किया है रसलिन ऑब्लिक नमन ने, जिनको मैं पूरा पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पूरी की पूरी रिबील कर दिया गया है। फ्री डिजाइन के फ्रंट ग्रिल, री डिजाइन हेडलैम्प यूनिट, ड्यूल एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, एलईडी फॉग लैम्प और इसके स्किड प्लेट सिल्वर कलर में दिया गया है। काफी शानदार चारों ओर बॉडी क्लैडिंग आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो थिक बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। और वहीं इसके साइड प्रोफाइल में 16 इंच के री ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील प्रोवाइड किया गया, जिसका व्हील साइज है 215/60R16। बॉडी क्लैडिंग को काफी थिक किया गया है इस बारी, और साइड में आपको मोल्डिंग दिया गया है। ORBM पियानो ब्लैक फिनिश एलईडी टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दिया गया है। रेन सेंसिंग वाइपर आपको मिल जाते हैं। फ्रंट ए पिलर आपको पियानो ब्लैक फिनिश बाकी ग्लॉस फिनिश में आपको देखने को मिलेगा। ग्रैब हैंडल बॉडी कलर में ही दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे पार्शियली रियर प्रोफाइल भी शेयर किया गया है। एलईडी टेल लैम्प यूनिट रीडिजाइन के दिया गया है, जो कि पहले के मुकाबले में काफी अट्रैक्टिव रहने वाले हैं। ऊपर आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर एंड रियर वाइपर दिया गया है। फ्रंट में लोगों के नीचे आपको कैमरा और इसके अलावा आपको ORBM के नीचे साइड कैमरा देखने को मिलेगा, यानी 360 डिग्री कैमरा मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे सिल्वर कलर का रूफ ग्रिल दिया गया है, जो कि पहले के मुकाबले में काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं दोस्तों, जिसका डिजाइन भी डिफरेंट है। और इसके डायमेंशन सेम रहने वाले हैं। इस बार इसके इंटीरियर में आपको फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बलेनो की तरह 9 इंच का देखने को मिलेगा, जो कि सपोर्ट करने वाले हैं एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को। और इसके इंटीरियर काफी शानदार रहने वाले हैं पहले के मुकाबले में। डैशबोर्ड लेआउट पूरी तरह चेंज रहने वाले हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट आपको इस बार देखने को मिलेगा। इसके साथ ही टॉप इन वेरियंट में 6 एयरबैग, लोअर वेरियंट में ड्यूल एयरबैग आपको देखने को मिलेगा। इस बार इसके एनबेज लेवल काफी इंप्रूव्ड देखने को मिलेगा, साथ ही इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और भी इंप्रूव देखने को मिलेगा, यानी कि ग्लोबल एनसीपी क्रेस्टेज में 5 स्टार की रेटिंग लाने वाली है दोस्तों। और इसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 50,000 to 60,000 प्रीमियम रहने वाले है करंट वेरियंट के कंपेरिजन में। ये थी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट विटारा ब्रेजा 2022 से रिलेटेड। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव, वॉक अराउंड्स, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।